नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के एक पहले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अपने घर के अंदर टैंक होते हैं उनका जो ढक्कन लगता है ऊपर, मेन होल कवर कहते हैं, वो कैसे फिट किया जाता है जो कि लेवल में होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक ढक्कन है 24x18 18x24 का ये ढक्कन है और ये हम इसमें फिट करेंगे। जो आसपास में कोटा स्टोर लगा है इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे, जो कि फ्रेम टू फ्रेम लगने वाला है। और जो इसकी जो फर्श जो अपनी जो कोटा स्टोन है उसके एग्जैक्ट उसके लेवल में आएगा ये। तो वो कैसे लगेगा, पहले आप फ्रेम के हिसाब से उसका माप ले लेंगे हम इस तरह से, जो भी फ्रेम होगी उसके हिसाब से मार्किंग कर देंगे। पहले मार्किंग करने के बाद इसको अपन ग्राइंडर व्हील या कटर मशीन से किसी से भी जो आपके पास जो भी हो उससे कटिंग कर लेंगे इसकी फ्रेम की। हमारे पास ग्राइंडर व्हील है तो हम इससे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. इस तरह से दोस्तों कटिंग करने के बाद सीमेंट लगा देनी है आपको। सीमेंट लगने के बाद साफ कर लेंगे अच्छी तरह से साइटों को, फिर फ्रेम को एक बार फिट करके चेक कर लेंगे और अच्छी तरह से फिट कर देंगे फ्रेम को अंदर। ये देखिए इस तरह से, फिर इसके बाद एक बार और सीमेंट लगेगी अपने, किसी भी हथौड़ी की मदद से आप इस तरह से इसको हल्के हल्के से ठोक कर अंदर फिट कर दिए अच्छी तरह से। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं मारना है, नहीं तो फ्रेम भी टूट सकती है, प्लास्टिक की फ्रेम है। और ये जो मेन होल कवर है ये अच्छी क्वालिटी का कवर है, इसके ऊपर अपन खड़े रह सकते हैं, गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक इनसाइड ही लॉक आता है जो ढक्कन के नीचे होता है, तो वहाँ से वो लॉक हो जाता है। तो अपनी एक जो ठोकर वाली समस्या थी, जो पहले कवर आते थे जो ऊपर एक लॉक लगाना पड़ता था अपने को अलग से, वो समस्या भी इस कवर में ख़त्म हो जाती है। जो ठोकर बनती थी वो ठोकर भी इस कवर में नहीं बनती है। तो इस तरह से आप फ्रेम को फिट कर लेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से नीचे ऊपर नीचे सीमेंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारी फ्रेम पूरी अंदर एकदम एग्जैक्ट लग चुकी है लेवल के हिसाब से। और जहाँ जहाँ से आपको लगे वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से फिट कर लें, उसके बाद अपन इस पर सीमेंट लगाएंगे। जो कि साइटों में खाली रहता है वहाँ पर अपन सीमेंट भर देंगे, और सीमेंट भरने के बाद एक बार कवर जो ऊपर का ढक्कन है वो लगा कर चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से फिट हो रहा है या नहीं। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सीमेंट लगा दीजिए। और फ्रेम लगने के बाद ढक्कन नहीं लगाना है आपको, 1 से 2 घंटे ढक्कन लगाना नहीं है, ताकि थोड़ी बहुत सीमेंट जो नीचे लगी है उसको हवा लगे, और हवा लगने से वो थोड़ी अच्छी से पकेगी। तो 1-2 घंटे आप वेट करिए, उसके बाद आप आराम से ढक्कन लगा कर लॉक कर सकते हैं। You will never see me coming.
clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका कवर फिट हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन पर आप कितनी अच्छी तरह से कवर फिट हो गया और ये सीमेंट सूख जाएगी। उसके बाद आप किसी भी तरह से रफली यूज़ करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये इसकी चाबी है लॉक की, इस तरह से ये लॉक हो जाता है यहाँ से और यहाँ से खुल जाता है। दो चाबी आती है इसके अंदर। अगर आपकी चाबी खो भी जाए तो मार्केट में जहाँ से आप कवर लेते हो वहाँ से 5 से 10 रुपये में नई चाबी भी मिल जाएगी आपको। तो ये सेफ्टी हो गई आपके मैनहोल कवर की। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।